हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम सो वेलकम माय न्यू चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर वाला द मेंटर। तो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द बायो मॉलिक्यूल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी डिटेल डिस्कस अबाउट बायो मॉलिक्यूल। तो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, आई प्रोवाइड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड व्हाट्सएप चैनल माय चैनल। तो प्लीज गो थ्रू व्हाट्सएप चैनल माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। So I hope you really appreciate me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new video or interesting video. So now discuss about the living estate. So in this particular video, we detail discuss about living estate. So I hope you all enjoy this video. So first we did for a 10 in NCERT textbook. After that, we read each and everything but simple and easy words. So let's begin without wasting any time. So हमको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। केमिकल कंपाउंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलकर बनी होती है, तो वही हमको यहाँ पे बताया गया है। एट दिस लेवल, इस लेवल तक हम समझ चुके हैं, यानी हम बायो मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है बायो मॉलिक्यूल क्या होता है। बायो मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल क्या होता है, बायो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाए, है ना। मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जाए उसको बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वही हमको बताया गया है। एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड डेट द 10,000 ऑफ द केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लेवल तक हम समझ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो 10,000 ऑफ द केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, इनको क्या बोलते हैं, अदरवाइज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट करें, है ना, मेटाबॉलिक में पार्टिसिपेट करें, और उनको क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। मेटाबॉलिक क्यों जरूरी है? मेटाबॉलिक इसलिए जरूरी है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मेटाबॉलिक का इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी को बनाने में मेटाबॉलिक का हेल्प होता है ना। मेटाबॉलिक से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एट प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन जो बायो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो अपने एक कैरेक्टरिस्टिक कंसंट्रेशन होगी, उनकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होगी, है ना। आर प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, वो अपने एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होंगे, है ना, उसी पे वो काम करेंगे। एग्जांपल के लिए हमको ये बताया गया है, क्या बताया गया है, द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हमारे जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमको यहाँ पे बताया गया है कितनी होती है। ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 4.5, इतनी 4.525 mm, है ना, इतनी होती है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ठीक है। वाइल डेट ऑफ हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स होते हैं, वुड बी नैनोग्राम पर ml। जो हार्मोन्स प्रेजेंट होगी उनकी कंसंट्रेशन किसमें होगी, नैनोग्राम, इसमें नैनोग्राम पर ml, नैनोग्राम पर ml में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन होती है, याद रखेंगे। हार्मोन की कंसंट्रेशन नैनोग्राम पर ml में होती है, ठीक है। आगे क्या दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज डेट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिट इन ए स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक बाई कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज बायो मॉलिक्यूल। तो इनका मतलब क्या हुआ, इसमें ये बताया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बायोलॉजिकल सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सारे के सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने स्टडी स्टेट मतलब होता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि उसकी वो जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में हो जाती है तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है ना। कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में हो जाएगी तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला गया तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, उसी तरह पे यहाँ पे बताया गया है। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेगी, है ना। यही बताया गया हमको कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में आल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एग्जिट करते हैं स्टडी स्टेट पे, है ना, स्टडी स्टेट पे कैरेक्टरिस्टिक बाई कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ बायो मॉलिक्यूल, और एक बायो मॉलिक्यूल का जो उनका कंसंट्रेशन होता है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज बायो मॉलिक्यूल आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स,
अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये जो बायो मॉलिक्यूल होते हैं ये होते हैं मेटाबॉलिक फ्लक्स में। मेटाबॉलिक फ्लक्स में दो चीज़ें आ गई, फ्लक्स में दो चीज़ें आ गई, कौन सा? ई फ्लक्स और इनफ्लक्स। ई फ्लक्स और इनफ्लक्स यानी चीज़ें, ई का मतलब हुआ बाहर, एग्जिट है ना, चीज़ें एग्जिट करेंगी यानी बाहर जाएंगी, और इनफ्लक्स का मतलब चीज़ें अंदर आएंगी है ना। ई का मतलब बाहर जाएंगी, इन का मतलब अंदर आएंगी, यानी चीज़ें मेटाबॉलिक फ्लक्स में चीज़ें अंदर बाहर आएंगी जाएंगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आगे क्या है, एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियस टू इक्विलिब्रियम। कोई भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इसमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल, केमिकल इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, क्या होगा, केमिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, केमिकल इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें केमिकल प्रोसेस में। और फिजिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिक, फिजिकल प्रोसेस को हम और बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस। हम फिजिकल प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस है ना। ये क्या होता है, मूव टू स्पॉन्टेनियस टू इक्विलिब्रियम, ये स्पॉन्टेनियस स्वतः इक्विलिब्रियम में मूव करता है, ठीक है। आगे क्या है, द स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट होती है यानी बॉडी की फंक्शनल स्टेट होगी वो कैसी होगी, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होगी है ना। स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट यानी ये कैसी हुई, फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी, फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी है ना, ये फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी हुई नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। वन सो रिमेंबर, हमको पता है वन सो रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स, हम फिजिक्स से सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं, डेट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर फिजिक्स में क्या हुआ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या करता है वो, इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, तो सिस्टम वो परफॉर्म, फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी इक्विलिब्रियम में सिस्टम वर्क परफॉर्म नहीं करता है, ये हमको बताया गया इसमें। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, दे कैन नॉट अफेयर टू रीच इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाना चाहता है ना, वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाना चाहता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करेंगे और वो इक्विलिब्रियम में जाना नहीं चाहते हैं, कैन नॉट रीच टू एफोर्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, हेंस, इससे हमको क्या पता चलता है, हेंस द लिविंग स्टेट इन ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग स्टेट होती है वो कैसी स्टेट होती है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट होती है, और वो क्या करती है, वर्क को परफॉर्म करती है, वर्क परफॉर्म करती है, एबल टू परफॉर्म वर्क यानी वर्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, क्या होती है, वर्क परफॉर्मिंग स्टेट होती है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, वर्क परफॉर्मिंग स्टेट, वर्क परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है, वर्क परफॉर्मिंग स्टेट का भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हुई, ठीक है। आगे क्या है, लिविंग प्रोसेस इन ए कॉन्स्टेंट इफोर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इंटू इक्विलिब्रियम। जो लिविंग प्रोसेस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाने में प्रिवेंट करते हैं ना, प्रिवेंट टू फॉल इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में ना जाएं, यानी रोकते हैं, बचाते हैं, बचाना या रोकना, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना या रोकना है ना, वो अपने आप को बचाते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में ना जाएं, अगर वो इक्विलिब्रियम में चले गए तो उनकी बॉडी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम वर्क परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, दिस इज अचीव बाई एनर्जी इनपुट, और वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में ना जाने दें, उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, वो कैसे अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, तो वो अचीव बाई एनर्जी इनपुट, उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी भाई बनेगी कहाँ से आएगी, एनर्जी की ज़रूरत है तो कहाँ से आएगी, तो मेटाबॉलिज जो होता है, मेटाबॉलिज जो होता है वो हमारा हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, तो वही हमको बताया गया इसमें। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मैकेनिक एक मैकेनिज्म होता है, इससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इक्विलिब्रियम में ना जाएं, उससे अपने आप को बचाने के लिए उनको एनर्जी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स,
तो इससे क्या पता चला कि जो लिविंग स्टेट होती है ना, लिविंग स्टेट मतलब जीवित स्टेज होती है जो, और मेटाबॉलिज्म क्या है, सिनोनम्स हैं, मतलब समानार्थी हैं, एक दूसरे के समान अर्थ हैं, ठीक है, समझ गए ना आप, सिनोनम्स मतलब समानार्थी। विदाउट मेटाबॉलिज्म, बिना मेटाबॉलिज्म के देयर कैन नॉट टू बी लिविंग स्टेट, है ना। हमको ये पता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है विदाउट एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, उनमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये छोटा सा आर्टिकल दिया गया था द लिविंग स्टेट के बारे में, हमने उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, वन साइड में एंजाइम मैं कंप्लीट करूँगा, सारी की सारी चीज़ें एंजाइम के बारे में बताऊँगा। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।